हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत देखेंगे वोकैब बिल्डिंग नंबर टू, देखना। देखना का अलग अलग तरीके से अलग अलग अंग्रेजी होता है। अलग अलग तरीके से देखने के लिए देखना का अंग्रेजी भी अलग अलग होता है। उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम लोग देखना का, सिर्फ देखना का 14 गो वर्ड मीनिंग देखेंगे। आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है देखना का, या सबको पता है, पता होता है, SEE मीन्स देखना। यानी हम कहीं जा रहे हैं, समान रूप से कुछ भी दिख रहा है, अपनी आंख को बंद नहीं कर सकते हैं, रास्ते से जा रहा है, पेड़ पौधा दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, कोई गाड़ी आ रहा है जा रहा है वो दिख रहा है, तो वहां पे देखना का अंग्रेजी होता है सी। अर्थात कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे देखने के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दो नंबर में वॉच। वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना। अगर यह नाउन रहता तो यहाँ पे वॉच का मतलब घड़ी होता, लेकिन यहाँ पे वर्ब है। वॉच मीन्स हो गया देखना। कैसे देखना? ध्यान से देखना। जब हम किसी मूविंग थिंग्स को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो देखना का अंग्रेजी होता है वॉच। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, अभी मैं मूवी देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है तीन नंबर में लुक। LOOK लुक मीन्स होता है स्थिर वस्तु को देखना। जैसे मैं बोलता हूँ लुक एट द बोर्ड, यानी बोर्ड पे ध्यान से देखो। तो जब कहीं हम ध्यान से देखते हैं, स्थिर वस्तु को देखते हैं, तो वहां पे देखना का इंग्लिश होता है लुक। नेक्स्ट है फोर में पीप। PEEP पीप मीन्स होता है झांकना, ताक झांक करना। जैसे मान लीजिए कोई खिड़की से ताक झांक कर रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन जा रही है और उसके खिड़की से झांक रहा है, घर के खिड़की से झांक रहा है, या कहीं से भी ताक झांक कर रहा है, तो वहां पे देखना, वो भी एक देखना हुआ, लेकिन वहां पे देखना का अंग्रेजी ताकना, ताक झांक करना, झांकना का अंग्रेजी हो जाता है पीप। नेक्स्ट है फाइव नंबर में पीप। PEEK पिक। पिक मीन्स होता है झांकना। एक दो बार अगर हम झांकते हैं कहीं से तो वहां पे झांकना का अंग्रेजी होता है पिक। नेक्स्ट लिखा हुआ है पोर ओवर ध्यान से देखना। पोर ओवर यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखते हैं तो वहां पे देखना का अंग्रेजी हम लोग पोर ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेवन में स्टेयर। STARE स्टेयर मीन्स होता है भय के साथ देखना। जैसे हम किसी को देख रहे हैं लेकिन भय के साथ देख रहे हैं, तो वहां पे देखना का अंग्रेजी होता है स्टेयर, भय के साथ देखना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गलती किया हुआ है और वह टीचर उसको खड़ा करा रहा है, तो वह बच्चा खड़ा तो होगा लेकिन वह भय से टीचर को देखेगा, तो वहां पे देखना का अंग्रेजी, वह बच्चा जो टीचर को देख रहा है तो वहां पे देखना का अंग्रेजी रहता है स्टेयर। नेक्स्ट बात करें एट नंबर का, तो एट में लिखा हुआ है प्राई। PRY प्राई, प्राई क्राई ट्राई फ्राई, तो PRY प्राई। यहाँ पे प्राई का मतलब होता है निहारना, ताकना, झांकना। जैसे हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में ऑर्केस्ट्रा आता है तो जितने भी नौजवान लोग होते हैं वह ऑर्केस्ट्रा के जो युक्तियां होती हैं उनको ताकता है लोग, झांकता है लोग, निहारता है लोग, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे प्राई। नेक्स्ट है नाइन नंबर में देखें, तो नाइन में लिखा हुआ है ग्लांस। GLANCE ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है एक झलक या एक नजर देख लेना। यानी अगर हम किसी को एक झलक, एक नजर देखना चाहते हैं तो वहां पे देखना का जो इंग्लिश होता है वह होता है ग्लांस। जैसे आई वांट टू ग्लांस माई फ्रेंड। नेक्स्ट है गॉगल। टेन में देखेंगे तो टेन में दिया हुआ है गॉगल। गॉगल का मतलब होता है आंख फाड़ फाड़ कर देखना। जब कोई व्यक्ति फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, या गूगल पे कोई भी क्वेश्चन आंसर निकालना चाहता है गूगल से, तो वहां पे वो जो देखता है तो वहां पे देखना का अंग्रेजी होता है गॉगल। गॉगल GOGGLE गॉगल मीन्स होता है आंख फाड़ फाड़ कर देखना, यानी खूब ध्यान से देखना। नेक्स्ट है 11 नंबर में ग्लिम्प्स। GLIMPSE ग्लिम्प्स।
ग्लिम्स का भी मतलब वही होता है, एक झलक देखना। जैसे एक गाना भी है, एक झलक दिखला जा, है ना, तो एक झलक दिखना का अंग्रेजी हो जाता है ग्लिम्स। नेक्स्ट बात करें 12 नंबर, तो 12 में दिया हुआ है लियर, एल डबल ई आर, लियर मीन्स होता है तिरछी नजर से देखना। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं और देख रहे हैं ऐसे, तो वहां पे देखना का अंग्रेजी होता है लियर। नेक्स्ट है 13 में गेज, जी ए जे डी, गेज मीन्स होता है टकटकी लगा कर देखना, एक सूर से देखना। जैसे कोई भी लड़का सड़क से होकर जाता है तो कोई खूब सुंदर लड़की या औरत दिख जाती है, तो वहां पे वह लड़का क्या करता है, उस औरत को, उस लड़की को एक सूर से देखता है, यानी टकटकी लगाकर देखता है, तो वहां पे देखना का अंग्रेजी हो जाता है गेज। नेक्स्ट एंड लास्ट है 14 नंबर में ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स होता है आंख तरेरना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गलती कर दिया, तो क्लास में टीचर जो होते हैं, बहुत सारे टीचर जो होते हैं, वह बच्चा पे आंख तरेरते हैं। माता पिता भी छोटी छोटी गलतियों पर अपने बाल बच्चा पे आंख तरेरते हैं, तो वहां पे देखना का अंग्रेजी हो जाता है ग्लेयर। आई होप यू फील गुड इन दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोज इन योर ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।